कौन से दो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं? ये तो सिर्फ दो इंडिया, इंडिया तो बहुत है, हर दिल में इंडिया है, हर प्रांत में इंडिया है, हर जगह इंडिया, ये सिर्फ दो। और इनसे पूछिए ये कौन से इंडिया से हैं, किस इंडिया से बिलोंग करते हैं। नहीं, वो 1962 का इंडियन दूसरा था, 71 का वो जो फाड़ के दो किए थे पाकिस्तान के, वो इंडिया दूसरा है, कारगिल का इंडिया तीसरा है, अब ये जो घर में घुस के मारने वाला इंडिया वो बिल्कुल अलग है। थैंक्स टू मिस्टर मोदी, जब वो बाहर जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे जाते हैं यूएन में जाते हैं, स्पीचेस देते हैं, इंडिया के बारे में बोलते हैं, वहां से बिजनेस लाते हैं और ये सब करते हैं, तालियां बटोरते हैं, किसके लिए? इंडिया के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, इंडिया के लिए। व्हेन वी गो आउट ऑफ इंडिया वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, वी थिंक अबाउट, वी शुड। इंडियन होने पर शर्म आ रही है बख्शी जी, काहे के इंडिया नहीं लोग, इन्हें अपने इंडियन होने पर शर्म आती है। ये लोग कहते हैं इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, और वहां से तालियां बजती हैं तो ये खुश हो जाते हैं, इनको अपने इंडियन होने पर शर्म आती है। शहजाद, हमको भी शर्म आती है जब ऐसे लोग जाते हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया, लेकिन हम लोग होते हैं। मैं ऐसे भारत में रहता हूं जहां ऐसे लोगों को भी ढोया जाता है। शहजाद पूनावाला आ रहा हूं, बख्शी जी आऊंगा, एक एक कमेंट लेना बहुत जरूरी है उसके बाद। शहजाद पूनावाला, बार बार ये कहा जा रहा है भाई इतना कमजोर हो गया आप लोगों का राष्ट्रवाद, एक सस्ते मस्करे से खतरे में आ जाता है। देखिए ऐसा है अमन भाई कि वीरदास हो या राहुल गांधी हो, और एक तरीके से वीरदास कॉमेडी के राहुल गांधी और राहुल गांधी पॉलिटिक्स के वीरदास है, ये बाहर जाकर जब भारत की बदनामी करते हैं और एक श्रृंखला एक सिलसिलेवार तरीके से बदनामी करते हैं हिंदुओं की, भारत की, और आपने देखा होगा अभी हाल ही में कांग्रेस के कितने हिंदू विरोधी बयान आए, उसी श्रृंखला में अभी ये बयान कि दिन में जो पूजा करते हैं वो रात को बलात्कार करते हैं, राहुल गांधी ने कहा था मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, तो ये श्रृंखला और सिलसिलेवार तरीके से, और फिर कांग्रेस पार्टी उसका बचाव करती है, इससे भारत की छवि को ना भारत को कोई नुकसान होता है, परंतु एक चीज समझ में आ जाती है कि एक व्यक्ति के विरोध में किस तरीके से आप देश विरोध में बार बार उतर आते हैं। मैं दो तीन पॉइंट कहना चाहता हूं। ये देखिए, ये लोग कहते हैं कि ये जो दो इंडिया की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, भारत में ऐसा होता है, अमेरिका में 4 गुना ज्यादा रेप होते हैं भारत की तुलना में, और भारत की तुलना में अमेरिका की पॉपुलेशन 1/4 है, पर वो अमेरिका के बारे में नहीं बोले रेप के विषय में, नो प्रॉब्लम। ये वही वीरदास है, और अमन जी मैं माफ कीजिएगा, उनके पुराने ट्वीट्स और अगर उनका एक वीडियो ममता बनर्जी का, मेरे वैचारिक बहुत मतभेद है ममता बनर्जी से, पर मैं उनको एक सम्मानित मुख्यमंत्री के रूप में मानता हूं, एक देश की हमारी नेत्री के रूप में मानता हूं, जो शब्दावली मैं देश की जनता को कहूंगा कि बाकी सब छोड़ दीजिए, केवल उस वीडियो को आप देखिए, जिस तरीके की शब्दावली वीरदास ने ममता दीदी के लिए इस्तेमाल की है, मुझे लगता है कि ये उदारवादी सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल लोग अगर इसको अपना आइकॉन मानते हैं, महुआ मित्रा जी को मैं जवाब मांगता हूं कि क्या आप इसको अपना आइकॉन मानती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का हाल तो यह है कि अब वो स्टैंड अप करने की पोजीशन में नहीं रही, तो किसी के भी स्टैंड अप पे खड़ी हो जाती है, कभी पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाकर भारत को बदनाम करो, कभी वीरदास जैसे लोगों को। पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट अभी आया था, ये स्टेटमेंट अगर हिंदू विरोधी, अगर यही स्टेटमेंट कोई और देता तो क्या नासिर अब्दुल्ला जिस तरीके से एक्रोबैटिक करके इसको बचा रहे हैं, ये वही नासिर अब्दुल्ला है जिन्होंने जश्न और ताली बजाई जब कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, कंगना रनौत का घर तोड़ा गया अवैध तरीके से, उसके एक बयान पर ये नासिर अब्दुल्ला चीख चीख कर ताली बजा रहा था, और ये नासिर अब्दुल्ला आज एक्रोबैट करके एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एलिबाई दे रहा है इस बयान का, इससे पता चलता है कि नासिर अब्दुल्ला को दिन में पूजा करके रात को बलात्कार करने वाला बयान कितना पसंद आया, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने, अच्छा लॉयर आपने, अच्छा वकील हैं, आपने पीओके वाले बयान पे, कंगना रनौत के पीओके वाले बयान पे उसको भद्दी भद्दी बातें बोली, और आप झूठ बोल रहे हैं, बयान मुझे याद है, मैं एक लड़की तो एक बार कही, अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, एक सेकंड, नासिर जी चिल्लाइए मत, नासिर जी चिल्लाइए मत, यहाँ पे आपकी कॉमेडी का समय नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, कॉमेडी की बात हो जाएगा, आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, एनसीबी आ जाएगी, खबरदार जो झूठ बोला मेरे बारे में, खबरदार जो झूठ बोला, आप चिल्लाएंगे आपके नेबर डिस्टर्ब होंगे, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
आप कहिए, चलिए जैसे ये मांग कर रहे थे कंगना पर एक कानून केस लग जाए, वो केस लग जाए, आप मांग कीजिए कि विवादास पर सेडिशन केस लगे, मैं आपके सवाल का जवाब देने नहीं आया, आप डिबेट में नहीं आया, आप भी स्टैंड अप करना है, एंकर मेरे से पूछा भी 6 मिनट का स्टैंड अप है क्या, आप अपना बयान पेश करिए, आप अपना बयान पेश करिए, कंगना के खिलाफ अवैध कार्रवाई का समर्थन करने वाले अब्दुल्ला, बयान पेश करो, वीरदास के खिलाफ मुंह नहीं खोल पा रहे, नहीं कर सकते मेरे से सवाल, कंगना के कुनिका जी मेरे साथ जुड़ गई है, कुछ नहीं बोल पा रहा। अच्छा, कुनिका सदानंद जी मेरे साथ जुड़ गई है, कुनिका जी आवाज आ रही है आपको? जी नासिर भाई आ रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे थोड़ा आराम से, काफी सीनियर लोग हैं हमारे साथ, रजा मुराद जी हैं, अरुण बख्शी जी हैं, काफी कुनिका जी हमारे साथ है, कुनिका जी आवाज आ रही है, कुनिका जी मतलब पड़ोसी के घर जाकर अपने घर वालों को गाली तो कौन देता है भाई? अमन जी जी मैं ना आज के हमारे देश में जो कॉन्शियसनेस जो है जो खत्म हो रहा है ना उस पर हैरान हूँ। यहाँ मेरे सीनियर कोलीग्स बैठे हैं और इनमें से एक को भी ये नहीं लग रहा है कि जो वीरदास ने कहा उसमें से क्या फॉल्स है, मुझे बताइए। बीच में मत टोकिएगा, मुझे बोलने दीजिए। हमें ये बुरा नहीं लगता कि हमारे वीर जो स्वतंत्रता जिन्होंने हमें दिलाई उसके बारे में कोई बोले, हम उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। हमें ये बुरा नहीं लगता है चाहे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कुछ साल पहले कुछ कहा था बाहर या मोदी जी ने कुछ कहा था, उसके ऊपर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सच्चाई वीरदास ने अगर उन्होंने एक एग्रेसिव क्रिटिक की तरह से कहा उसको हमको ये सोचना चाहिए कि जो ये कह रहा है क्या ये सच है कि नहीं। हम आपने किसी से पूछा था, मैं गाड़ी में थी और कोर्ट से वापस आई तो मैंने सुना कि आपने पूछा कि अगर ये रोजा ये कहते कि दिन में रोजा रहा, अरे भाई हम हिंदू हैं, हम देवियों को पूजते हैं, मुस्लिम रिलीजन में या मुसलमान रिलीजन में कोई औरत का प्रतीक नहीं है जिसको पूछते हैं, इसीलिए उसने उसको सिमिलिक में किया। लेकिन आप सबसे पहले ये मैं पूछती हूँ कि आप लोगों को तकलीफ किस बात से हो रही है? जो जर्नलिस्ट करना चाहिए, जिसको ऑपोजिशन को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वीरदास ने अगर सवाल पूछा तो आपको उससे प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है कुनिका जी, मैं बता सकता हूँ लेके जा रहे हैं जी बिल्कुल। कमान अमन जी, मुझे लगा जी टीवी छोड़कर आप बदल गए होंगे। कुनिका जी नहीं नहीं, चाहे वहां रहूं चाहे यहां रहूं कहीं भी रहूं भाई, हिंदुओं की आवाज तो उठानी पड़ेगी ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? जैसे सुबह पूजा करते हैं रात को गैंगरेप करते हैं, हिंदू रेपिस्ट है आपके हिसाब से? कुनिका जी हिंदू रेपिस्ट है आपके हिसाब से? एक एक करके आराम से बात करेंगे। आपने बोला मैंने आपको नहीं टोका, मैं बोलूंगा आप मुझे मत टोके तो अच्छा लगेगा कुनिका जी। मैं बोल रही हूं, मुझे बोल। अच्छा आप कंप्लीट कर लीजिए पहले, फिर मैं बोलूंगा, आप कंप्लीट कर लीजिए जी, बोल लीजिए हो जाएगा तब जी। मैंने कहा आपको कि आप देखिए हमारे देश के कॉन्शियंस को जगना है, मुझे तो लग रहा है मेरा देश मर चुका है, मेरे देश के लोग एकदम नींद में हैं। क्या हो रहा है? वीरदास ने अगर एक इशू उठाया तो उसके बारे में ये सोचिए कि इसने सही कहा या गलत। अगर सही कहा तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, अगर गलत कहा तो उसको पनिश कीजिए। कंगना रनौत को कभी मत कुछ बोलना, क्योंकि कंगना रनौत इज स्पीकिंग द एजेंडा ऑफ द रूलिंग पार्टी, ताकि वो डाइग्रेस हो इशू से। अब आप बोलिए। चलिए कनिका जी, सीधा सा सवाल है, घर में लाख इश्यूज होते हैं, बोलिए, बड़ों से लाख समस्या होती है घर में। आवाज आ रही है आपको कुनिका जी? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हैं अमन जी? प्लीज कुनिका जी आवाज आ रही है, तब मैं सवाल पूछूंगा। आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। जी कुनिका जी, बात वो नहीं है कि उनके इंडिया में हो सकता है नाराजगी होती है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो हम सोच रहे हैं वही आप सोचे, बिल्कुल सही बात है, इश्यूज है, गैंग रेप्स है, सारी चीजें हैं, घर में तमाम समस्याएं होती हैं, हमारे बड़ों से होती है घर में तमाम, लेकिन हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। वो जाके वहां जाके अपने घर का मजाक उड़ा रहे हैं, वो कह रहे मेरे घर में ये हो रहा है, सुबह